गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम निवेदिता सिंहदेव ऑफ मारवाड़ी कॉलेज इंग्लिश डिपार्टमेंट. टुडे आई एम गोइंग टू टेक योर ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 12th इंग्लिश कोर. एज दिस इज द फर्स्ट वीडियो आई एम अपलोडिंग फॉर द क्लास 12, एज यू हैव नोन दैट इन क्लास 12 इंग्लिश कोर लिटरेचर पोर्शन और प्रोज सेक्शन वी हैव टू बुक्स. फर्स्ट वन इज फ्लेमिंगो एंड सेकेंड वन इज विस्टास. सो टूडे वी विल स्टार्ट विद द टेक्स्ट बुक और द प्रोज सेक्शन फर्स्ट लेसन फ्लेमिंगो ऑफ फ्लेमिंगो. क्लास 12 टेक्स्ट बुक प्रोज सेक्शन फ्लेमिंगो लेसन नंबर 1 The Last Lesson by Alfonso Duarte. Here we will see how a student was taught to respect his own language. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक स्टूडेंट की कहानी है जिसे समझाया जाता है कि उनकी अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा की महत्व क्या है. द नरेटर स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. ही फियर्ड हिज टीचर एम हैमल. ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स. द नरेटर डिड नॉट नो इवन द first word about them. He feared a scolding. He thought of running away and spending the day outdoors. The weather was very warm and bright, but he decided otherwise. He hurried off to school. Kathakar friends उस सुबह पाठशाला के लिए काफ़ी देरी से चला. वो अपने शिक्षक एम हैमल से डरता था. वे विद्यार्थियों से पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न करने वाले थे. कथाकार को उनके बारे में पहले अक्षर का भी पता नहीं था. वो झिड़की खाने से डर रहा था. उसने दूर भागने और दिन को बाहर बिताने के लिए के बारे में विचार किया. मौसम काफ़ी गर्म और चटकीला था, लेकिन उसने दूसरा ही फैसला किया. वो जल्द ही पाठशाला चला गया. फ्रेंड्स पास्ड द टाउन हॉल. ही सॉ अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. The people got the news of lost battles and other important informations by only from there. Friends, town hall के सामने से गुजरा. उसने bulletin board के सामने बड़ी भीड़ देखी. पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें वहीं से आई थी. लोगों को हारी हुई लड़ाइयों और दूसरी महत्वपूर्ण खबरें केवल वहीं से मिलती थी. अनयूजुअल व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वॉज अ लॉट ऑफ हसल्स एंड बसल. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क एंड रेसिटेशन ऑफ लेसन्स क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कमोशंस. बट नाउ इट वॉज ऑल वेरी स्टिल. ही वॉन्टेड टू गेट टू हिज डेस्क विदाउट बींग नोटिस. But now he had to go in before everybody. He blushed and was quite frightened. But nothing happened. No punishment. M. Hammer saw him and asked very kindly to take his seat. प्रायः जब पाठशाला शुरू होती थी तो काफी शोर शराबा होता था. डेस्कों के खुलने और बंद होने और पाठों के जबानी एक साथ दोहराए जाने से
काफ़ी हलचल पैदा होती थी, लेकिन सब बहुत शांत था। वो बिना दिखाई पड़े अपने डेस्क तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अब उसे सभी के सामने अंदर जाना पड़ा। वो शर्म से लाल हो गया और काफ़ी डरा हुआ भी था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी सज़ा नहीं हुई। एम हैमल ने उसे देखा और बहुत विनम्रता से उसे अपनी सीट लेने के लिए कहा। एम हैमल वॉज इन क्लोथ्स दैट ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड साइलेंट, बट द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज द प्रेजेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स। दे वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड स्पोक इन अ सीरियस एंड जेंटल टोन। माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ही टोल्ड देम दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सस एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे। इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच। एम हैमल उन कपड़ों में था जो वो निरीक्षण और पुरस्कार दिवस पर ही पहना करते थे। सारी पाठशाला बहुत विचित्र और शांत प्रतीत होती थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज़ थी गांव वाले बुजुर्गों की वहां पर उपस्थिति। वे पिछले बेंचों पर शांत रूप से बैठे थे। एम हैमल अपनी कुर्सी पर चढ़ा और गंभीर और विनम्र आवाज में बोलना शुरू किया। मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उसने उन्हें बताया कि बर्लिन से एक आदेश आया है एल्सस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नया शिक्षक अगले दिन आ जाएगा। वो फ्रेंच भाषा का उनका आखिरी पाठ था। स्टूडेंट, टुडे अप टू दिस वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।